हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवंथ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर सेवन ट्राइब्स नोमैन्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ देखिए हमारा एक और चैनल है लर्न अबी एक्स्ट्रा के नाम से उस पर हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं और काफ़ी कुछ उसमें आठ चैप्टर्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं और यहाँ पर लर्न अबी पर हम लोगों ने देखिए आपकी जोग्राफी पूरी कम्प्लीट है आपकी इंग्लिश कम्प्लीट है हिंदी कम्प्लीट है है ना तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कम्प्लीट कर रखे हैं लोग देख सकते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हैं सारे तो चलिए वाला चैप्टर देखते हैं हम लोगों ने चैप्टर टू थ्री फोर में देखा कि किस तरीके से जो किंगडम्स हैं किंगडम्स होते हैं साम्राज्य राजा महाराजा आए और चले गए मतलब उनके जो साम्राज्य हैं वो जीते फिर वो हार गए और वो खत्म हो गए इवन एज दिस वॉज हैपनिंग जब ये हो रहा था नए आर्ट्स क्राफ्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश हो रहे थे टाउन्स और विलेजेस में मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था चाहे जो भी किंग आ रहा हो सेंचुरीज तक मतलब सदियों तक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई ठीक है पॉलिटिकल मतलब राजा महाराजा चेंज हुए सोसाइटी में धर्म आ गए कई बहुत सारी चीज़ें लोग पैसे वाले होते गए कोई गरीब होता गया तो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे थे मगर सोशल चेंज जो है ना वो हर तरफ एक जैसा नहीं होता है क्योंकि अलग अलग तरह की जो सोसाइटी होती है वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती हैं इवॉल्व होने का मतलब होता है बदलाव आना तो अलग न, अलग सोसाइटी में ना अलग अलग तरीके से बदलाव आता है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरीके से हर सोसाइटी में कैसे बदलाव आए होंगे तो देखिए ट्राइबल्स जो सेंट्रल पेंटेड स्क्रॉल्स हैं ना स्क्रॉल्स मतलब जिनको मोड़ा जा सकता है तो सेंटिनल्स जो हैं सेंट्रल इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी जो डांसिंग की पिक्चर्स इन्होंने बना रखी हैं इन अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में ना देखिए बार बार इस किताब में सब कॉन्टिनेंट का नाम आता है तो इसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है ना ये तीनों तो स्पेशली जोड़े ही जाते हैं क्योंकि ये सब पहले इंडिया का ही तो पार्ट थे फिर बंटवारा हो गया तो काफ़ी बड़ा जो पार्ट था हमारी सोसाइटी का उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्णों के हिसाब से बटा हुआ था जैसे कि हम जाति जिसे कहते हैं ना उससे पहले वर्ण चलते थे अब तो बहुत सारी जातियाँ हो गई हैं पर वर्ण जो है वो चार ही होते हैं जिसमें सबसे ये जो रूल्स हैं ना ये हमें ब्राह्मण्स ने बताए और ये ब्राह्मण्स ने जो रूल्स बताए थे ये लार्ज किंगडम्स बड़े बड़े जो राजे वगैरह थे उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इनक्रीज अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो हाई एंड लो की जात ऊँची है छोटी है ये वर्ण ऊंचा नीचा है है ना और फिर अमीर गरीब इन सब में भेदभाव काफी ज्यादा बढ़ने लगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मुगल्स ने देयर हायर की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर जब मुगल्स आ गए तो और भी ज्यादा भेदभाव बढ़ने लगे बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़ मतलब हमने बड़े बड़े शहरों के बारे में तो काफी कुछ पिछले चैप्टर्स में देख लिया है अब हम ट्राइबल सोसाइटीज ट्राइबल सोसाइटीज़ वो लोग होती हैं मेनली जो लोग ना जंगलों के इलाकों में रहते हैं तो देयर वर हाउ एवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इज़ वेल सिर्फ सिटीज़ या गाँव की सोसाइटीज़ नहीं थी गाँव में ही समाज नहीं चल रहा था जंगलों में भी बहुत लोग रहा करते थे काफ़ी सोसाइटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट की जो किसी भी रूलर के अंदर नहीं आती थी और ब्राह्मण जो ये कर्म कांड वगैरह करवाते थे ना रिचुअल्स करवाते थे इन सबको वो लोग फॉलो नहीं कर, करा करते थे और ना ही वहाँ पर सोशल डिविज़न था मतलब कोई भेदभाव नहीं था इस तरीके की जो सोसाइटी थी वो थे ट्राइब्स जिनको हिंदी में हम लोग कबीले कहते हैं मेंबर्स जो होते थे ना हर एक कबीले के वो एक किनशिप एक भाई बंधुत्व के एक तरह से बॉन्ड से जुड़े हुए होते थे काफ़ी सारे ट्राइब्स जो थे ना वो अपना एग्रीकल्चर करके अपने जीवन यापन करते थे मतलब अपनी खेती बाड़ी करके जीवन यापन किया करते थे काफ़ी सारे हंटर गैदरर होते थे और कुछ लोग हर्डर्स भी होते थे हंटर गैदर मतलब जानवरों को मार के खाना फिर और पेड़ से फल वगैरह लेकर के खा लेना और हर्डर्स मतलब गाय भैंस पालते थे उनको चरा के उनका दूध के प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल वो किया करते थे मोस्ट ऑफ एन कम्बाइंड और ज़्यादातर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि किया करते थे नेचर से जो भी कुछ मिलता था जंगलों में रहने वाले लोग उसका इस्तेमाल किया करते थे सम ट्राइब्स वर नोमैडिक नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं कुछ ट्राइब्स घुमंतू ट्राइब्स थे हिंदी में घुमंतू बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और कुछ ट्राइब्स जो हैं वो काफी सारा लैंड का एरिया कवर करते थे का, उनके उनके अधिकार में होता था और वहाँ पर वो अपने चरवाहे अपने गाय भैंस पालते थे बकरियाँ और ये सब पाला करते थे और चरवाही की तरह वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत किया करते थे एंड डिवाइडेड डीज अमंग्स हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स और हर मतलब ये पूरा का पूरा एरिया है एक तरह से लैंड बांट दिया है वैसे तो सबका ही है बट हाउस होल्ड के हिसाब से कि ये लैंड पे तुम यूज़ करो वाला तू तु, तु, तुम करो मगर ऐसा नहीं होता था जैसे कि अब चलता है ना कि हमारा ये कोई और नहीं कर सकता है तो वहाँ पे कम्युनिटी की लैंड होती थी मतलब सबका ही जमीन होती थी काफ़ी सारे बड़े बड़े जो ट्राइब्स हैं वो थ्राइव किए हैं थ्राइव का मतलब है कि वो काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्राइब्स रहे हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी सारे ट्राइब्स रहे हैं दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट ज़्यादातर तो वो जंगलों में रहते थे पहाड़ों में रहते थे और सब मतलब डेजर्ट्स में रहते थे ऐसे इलाकों में जहाँ पर पहुँचना काफ़ी बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता था कई बार क्लैश हो जाते थे बिटवीन मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ आ, मतलब कई बारे जो है जो कबीलाओं कबीलों में रहते थे ये थोड़े जो कास्ट बेस सोसाइटी मतलब जो ये आ, प्लेन्स में रहने वाले लोग होते थे ना जैसे जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है उनसे इनकी थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी वेरियस वेज में ना जो ट्राइब्स हैं ना वो हमेशा फ्री ही रहे हैं अपने कल्चर को इन्होंने अलग ही रखा है बट कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है बार बार कास्ट बेस्ड कास्ट बेस्ड मतलब जैसे कि हमारी आज की सोसाइटी चल रही है हम लोगों ने क्या कर रखा है जैसे हिंदू धर्म है हिंदू धर्म में ब्राह्मण वैश्य क्षेत्रीय है ना और शूद्र ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं फिर आते हैं क्षत्रिय है, फिर वैश्य फिर शुति ये सारा बटवारा ब्राह्मणों ने किया हुआ है तो ये होती है कास्ट बेस्ड सोसाइटी तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अलावा जो ट्राइबल सोसाइटी थी ना जो जंगलों में रहा करते थे जो ये कास्ट वगैरह को माना नहीं करते थे इनके बीच में कई बार दिक्कतें हो जाया करती थी इनके रिलेशन्स में थोड़ी खटास टाइप्स आ जाती थी तो इनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंस जो है ना मगर वो होती थी जैसे कि जो ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है इन्हें जंगलों के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती थी जैसे कि आप कह लीजिए शहद हो गया वैक्स हो, हो गया एलिफेंट्स की जरूरत होती थी तो ये सारी किस और इन लोगों को जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी अनाज की चावल की है ना इन सब की जरूरत होती थी तो एक दूसरे पर डिपेंड करती थी सोसाइटी हो ट्राइबल पीपल अभी ट्राइबल पीपल होते कौन हैं कंटेम्प्ररी जो हिस्टोरियंस हैं मतलब आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं हिस्टोन्नस और ट्रैवलर्स ये काफ़ी हमें गिव वेरी स्केंटी इन्फॉमेशन अबाउट ट्राइब्स मतलब बहुत ही कम इंफॉमेसन हमें ट्राइब्स के बारे में मिलती है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल आ, ने थोड़ा बहुत अपने बारे में लिखा है बल्कि ज़्यादातर तो ट्राइबल एरियाज में मतलब लिखने की चीज़ें लिखने की प्रथा और अपने रिकॉर्ड रखने की प्रथा नहीं रही थी बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन रिच कस्टम उनके बारे में हम लोगों को ओरल लिखी हुई चीज़ों से नहीं पता लगता है वो जो मौखिक भाषा से चला आ रहा था ना उससे हमें पता लगता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर बोल के ही पता समझा करके ही पास की गई हैं प्रेजेंट डे के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज तो जो ओरल ट्रेडिशन उनका चलता आ रहा था ट्राइबल से बात करी और उसके बाद जो आज के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ट्राइबल्स की हिस्ट्री को लिखा है ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ सबकॉन्टिनेंट मतलब हर इलाके में हमारे देश के ट्राइबल्स मिल जाते हैं और एरिया कितना होगा और कितना अच्छे से वो रह रहे होंगे या अलग-अलग जगह पर डिपेंड करता है कुछ पावरफुल ट्राइब्स भी रहे हैं जो काफ़ी बड़े टेरिटरी उन्होंने अपने कब्ज़े में रखी है अगर पंजाब की हम बात देखें तो द खोखर ट्राइब वॉज़ वेरी इंफ्लुएंशियल ड्यूरिंग थर्टीन्थ एंड फोर्टीन सेंचुरी तो पंजाब में ये जो खोखर ट्राइब है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फोर्टीन थर्टीन फ़ोटीन सेंचुरी के टाइम पर लेटर जो घाखर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए फिर उनका जो चीफ था कमल खान घर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्पर अकबर तो जो ट्राइबल का एक चीफ था आ, अमल ख, आ, कमल खान का घर इसको मनसबदार भी बना दिया था अकबर ने मुल्तान और सिंध की अगर हम बात करें द लंगज एंड आरघनस डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर देवर सबड्यूट बाय द मुखस तो ये लंगज और आरगोन भी काफ़ी बड़ा एरिया करवर करके रखा हुआ था मुल्तान और सिंध में उससे मतलब मुगल्स ने इनको हरा दिया था मगर मुगल से पहले इनके पास काफ़ी ज़्यादा अपना एरिया हुआ करता था बलोचीज़ जो कि आज बलूचिस्तान की मांग करते हैं ना पाकिस्तान में तो बलोचीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े और पावरफुल ट्राइब हैं पाकिस्तान वाले रीजन में जो कि नॉर्थ वेस्ट का ट्राइब है मतलब इंडिया देखिए यहाँ पर है ना ये ये देखिए ये ये बलोचीज़ है, बलोची हैं बलोची अफगानिस्तान ईरान में भी पड़ते हैं अफगानिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तान में भी बलूच होते हैं लोग और ये देखिए आरगुनज और लंगाज ये सारे के सारे खोखर घग्घर वग़ैरह ये ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं अब ये जो बड़े बड़े ट्राइब्स थे ना ये काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लान्स में भी डिवाइड होते थे क्लान्स होता है अग क्लान एज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमर एनसेस्टर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयलिटीज तो क्लैन मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं ना एक मान लीजिए एक ये थे ये पर्सन ए थे इनके चार बच्चे हुए ठीक है बी सी डी ई फिर इनके और इनके सबके चार 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 बच्चे हो गए ठीक है और फिर इन चार बच्चों के और चार बच्चे हो गए है ना तो फिर ये एक पूरा का पूरा क्लान बन गया ये कहते हैं कि हमारे जो इंसेस्टर थे ना वो तो कॉमन ही थे तो ये हमारा पूरा का पूरा एक क्लान बन गया है तो देवर डिवाइडेड दे इन टू मैनी स्मॉलर क्लान्स अंडर डिफरेंट चीफ्स अलग अलग चीफ में वो अलग अलग उनके हेड होते थे तो और काफ़ी सारे क्लान्स इनके हुआ करते थे इन द वेस्टर्न हिमालज लिव द शेफर्ट ट्राइब ऑफ गड्डी गड्ढी ट्राइब रहता है कश्मीर वाले रीजन में डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू मेनली डोमिनेटेड बाई जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है हमारा नागालैंड वगैरह तो वहाँ पे नागाज अहोम्स और काफी सारे ट्राइब्स और हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर प्रेजेंट बिहार और झारखंड की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि चेरो चीफडम्स हेड एमर्ज बाय द ट्वेल्थ सेंचुरी तो चेरो जो हैं वो ट्वेल्थ सेंचुरी में एमर्ज होकर आए थे राजा मान सिंह अकबर के जो फेमस जनरल थे उन्होंने अटैक किया था और डिफीट कर दिया था हरा दिया था चेरोस को 1591 में मतलब 1591 में महाराज जो राजा मानसिंह थे ना उन्होंने इनको हरा दिया था अकबर के अंडर थे राजा मानसिंह उस समय पर तो इन्होंने चेरोस को हरा दिया था फिर अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड मतलब काफ़ी कुछ इनसे सामान बूटी पैसा ये सब ले गए थे पर इनको पूरी तरीके से दबा नहीं पाए थे औरंगजेब के अंडर मुगल फोर्स ने कैप्चर कर लिया था काफ़ी सारे चेरों के फोर्ट्स को काफ़ी इनके किलों को कर लिया था कैप्चर और इनको सबड्यू कर लिया था मतलब इनको दबा दिया था मुंडास एंड संथल्स वर अनमंग अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा बंगाल उड़ीसा बंगाल में ये मुंडास एंड संथाल्स तो बिरसा मुंडा के बारे में आप एट क्लास में पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे हमारी आज़ादी के टाइम पर भी ये अब देखिए महाराष्ट्र के ट्राइब्स के बारे में महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटक महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कोलीज होते हैं बिराड एंड न्यूमरस अदर्स ठीक है कोलीज बिराड कोलीज जो हैं वो गुजरात के भी काफ़ी सारे एरियाज़ में रहते हैं फर्दर साउथ में भी काफ़ी सारे ट्राइबल पॉपुलेशन हैं ऑफ़ कोरगाज ठीक है और वित्तर और मारावर और काफ़ी सारे अदर्स ये सारे के सारे ट्राइब्स के नाम हैं जो अलग अलग इलाकों में हमें देखने के लिए मिलते हैं लार्ज ट्राइब्स ऑफ भील भील जो है वो काफ़ी सारे मध्य प्रदेश वगैरह वाले रीजन में हमें देखने के लिए मिलते हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में मध्य प्रदेश हो गया उड़ीसा वाले रीजन में काफ़ी भील हमें मिलते हैं देखने को बाय द सिक्सटीन सेंचुरी काफ़ी सारे जो हैं ये ट्राइबल्स हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे मतलब एग्रीकल्चर में सेटल हो गए थे और काफ़ी सारे तो जमींदार भी बन गए थे काफ़ी सारे भील क्लैंड जो हैं वो हंटर गैदरर ही रहे जंगलों में रहने वाले लोग ही रहे अब गोंड्स के बारे में बताते हैं गोंड्स व फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में हमें गोंड्स देखने के लिए मिलते हैं मध्य प्रदेश में भी गोंड्स होते हैं महाराष्ट्र में भी और आंध्र प्रदेश में भी ये पिक्चर्स हैं ट्राइबल्स की कुछ अब आता है नुमैट्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड तो नुमाण पेस्टोरलिस्ट जो थे ना मूव्ड ओवर काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंस में मूव करते थे अपने जानवरों के साथ और उनके मिल्क पे और काफ़ी और जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर ही अपने जानवरों का दूध पी करके या फिर उनका मांस खा करके ही जिंदा रहते थे दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल और वो जो उनकी ऊपर वूल उगती थी उसको वो बेच दिया करते थे घी भी बेचा करते थे विथ सेटल एग्रीकल्चर जो ग्रेन वगैरह जैसे कि ये वूल इन इनकी हो गई घी वगैरह हो गया ये जो एग्रीकल्चर करते थे ना लोग उनको बेच दिया करते थे और उनसे एग्रीकल्चर करने वालों से अनाज वगैरह कपड़े और बर्तन और काफ़ी दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद लिया करते थे तो इस तरीके से व्यापार चलता था तो देखिए यहाँ पर ये जो है भील डियर की हंटिंग कर रहे हैं डियर को मार के खाने के लिए और ये देखिए ये जो नोमैड्स हैं ना कोई आ, मतलब अपने ऊन वगैरह दे रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट को एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो अनाज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हें अब देखिए आता है दे एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे जब वो अपने कैमल्स पर या फिर अपने एनिमल्स पर अपने जानवरों पर राइड कर रहे होते थे अब नोमैड्स एंड तो यहाँ पर हमें ना नोमैड्स और इटिरेंट्स के बारे में बताया गया है तो ये नुमाइट्स जो घुमंतू लोग होते हैं अपने जानवरों के साथ घूमते हैं अपने उनको चरवाने के लिए जगह जगह सामान ख़रीदते बेचते हैं और ये जो इटीनिरंस होते हैं ये लोग क्या करते हैं क्राफ्ट पर्सनस होते हैं जैसे कि जो लोग अपना मेला वगैरह लगाते हैं ना जैसे कि जादूगर घूमते रहते हैं डांसर्स वगैरह जो होते हैं एंटरटेनर्स बोलते हैं हम इनको क्राफ्ट पर्सन एंटरटेनर्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं नुमाड्स और इटिनरेंट जो होते हैं ये एक साल में कई सारी जगहों पर घूमते हैं अब देखिए यहाँ पर हमें आगे बताया गया है ये काफ़ी सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे बनारस तो जो बंजाराज होते हैं ना वो मोस्टली जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स ग्रुप हैं बंजाराज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और व्यापार किया करते थे वो कारावानस में घूमा करते थे दिया कारावान वो कॉल्ड टंडा मतलब वो जो इकट्ठा होकर के घूमते थे ना उसको टंडा बोलते थे सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जो हैं उन्होंने बंजारास का इस्तेमाल किया था अनाज को एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाने के लिए जो एम्पर जहांगीर थे उन्होंने भी रोट इन हिज मेमियर्स दैट बंजाराज कैरीड ग्रेन्स ऑन देर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड डिफरेंट टाउन्स तो अलग अलग जगह जाकर के बंजारे जो हैं वो अपना सामान बेचा करते थे वो फूड ग्रेन को जो है मुग़ल आर्मी तक पहुँचाते थे उनके मिलिट्री कैम्पेंस तक और काफ़ी लार्ज आर्मी विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी दस हजार बुलट्स कैरिय ग्रेन तो मतलब हजारों बुलक्स जो होते थे वो ग्रेन कैरी करते हुए हमें देखने को मिलते थे तो यहाँ पर मैं देखिए बंजारा के बारे में बताते हैं कि जो इंग्लिश ट्रेडर हैं पीटर मुंडे ये बताते हैं बंजारे जो है ना वो लगभग चौदह हजार ऑक्सीजन मतलब बैलो वगैरह के साथ घूमते हैं और उन पर वीट राइस वगैरह लदा होता है और ये अपनी फैमिलीज होती है एक जो टंडा होता है एक साथ काफी सारे लोग होते हैं काफी सारी फैमिलीज इनकी वाइफ्स इनके बच्चे वो सब साथ में ही काराभार में घूम रहे होते हैं और एक जगह से लेकर के दूसरी जगह सामान बेचते हैं जहां सस्ता होता है वहां से खरीदते हैं जहाँ महंगा होता है दूसरी जगह जाकर के बेच देते हैं तो इस तरीके से नुमैट्स का जीवन ये बिताते हैं मतलब घुमंतु जीवन फिर आगे देखते हैं आता है मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू पीपल, तो काफी सारे जो पेस्टोरल ट्राइब्स ट्राइब्स होते थे ना वो क्या करते थे आ, पालते थे जानवरों को और खरीदते बेचते थे जैसे कि कैटल्स गाय भैंस और घोड़ेस अमीर लोग होते थे उनको बेच दिया करते थे डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड from village टू विलेज पेटी पैडलर्स मतलब ऐसे जो पैर पर घूमने वाले जो थे आ, वो अलग जगह घूमते थे अलग अलग जगह और सामान अपना बेचा करते थे दे मेड एंड सोल्ड वेयर सचेज रोप्स रीड्स मतलब जैसे कि आप uh, वो कह लीजिए रस्सी बेच रहा है कोई कोई स्ट्रॉ मैटिंग मैट्स वगैरह मतलब कुछ भी बहुत सारा सामान जैसे कि घर का हाउस होल्ड का सामान होता है रेगुलर वो बेचते थे एक जगह से दूसरी जगह जा करके समटाइम्स मैंडिकेन्ट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स तो ये जो होते थे ना मर्चेंट्स की तरह घूमते घूम गुं, घुमंतु गुं, व्यापारी की तरह ये लोग एक्ट किया करते थे ऐसी इनमें एंटरटेनर्स की कास्ट भी होती थी जो अलग अलग गाँव शहर जा करके एंटरटेनमेंट किया करते थे मतलब वही डांस गाना कर्तव्य खाना इस तरीके का अब चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हयाकिज नई नई कास्ट और नई नई कास्ट के बीच में भेदभाव कोई ऊँची तो कोई तो को नीची ये सब चीज़ें भी आने लगी थी इकोनॉमी ग्रो हुई सोसाइटी भी ग्रो हुई लोगों को नई स्किल्स आने लगी स्मॉलर कास्ट और जातीज जो है ना वो मतलब चार वर्ण होते थे और इन वर्णों में भी काफ़ी सारी अलग 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 कास्ट जो है डेवलप होने लगी ज़्यादातर वैश्यों में डेवलप हुई नई कास्ट अपीयर हुई अमंग ब्राह्मण्स ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स आल्सो एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति तो अलग 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 वर्ण में काफ़ी सारी क्या आने लगी जातियाँ आने लगी जैसे कि जो आर्टिस थे स्मिथ गोल्ड स्मिथ हो गए कॉपर स्मिथ हो गए है ना आयरन स्मिथ हो गए कारपेंटर हो गए मेजन हो गए है ना इन सब को भी जातियों में अपने अंदर लिया जाने लगा ब्राह्मण्स ने जो है ज़्यादातर ये वर्णों में से जातियाँ निकाल दीं और ये एक सोसाइटी का बेसिस बन गया डेलिब्रेशन ऑन जाति ट्वेल्थ सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है उय कुंडा इन तिरुचपल्ली तालुक में हम लोगों को जो प्रेजेंटे तमिलनाडु में पड़ता है उसमें हमें पता लगता है डिस्क्राइब द डेलीब्रेशन इन सभा ऑफ ब्राह्मण ब्राह्मण की सभा के बारे में हमें दिखाते हैं इसमें तो डे दे डेलीब्रेटेड मतलब वो विचार कर रहे थे स्टेटस ऑफ ग्रुप नोन एज रथाकार रथाकर जो है जो चैरियट मेकर्स हैं मतलब जो रथ बनाने का काम करते हैं इनका सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा ये डिसाइड कर रहे थे ब्राह्मण लोग दे डाउन दे ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर बिल्डिंग कोचेस चैरियर्स इलेक्ट्रिक गेटवेज ये सब ठीक है तो इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सेक्री

अदर्स भी जो राजा होते थे ना टॉप मोस्ट उनको राजपूत कहा जाने लगा सम ऑफ देम जो कि इनमें से कुछ ट्राइब्स को भी बिलोंग करते थे काफ़ी सारी क्लान्स थे जो खुद को क्या कहते थे कि हम राजपूत हैं राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र राजा का बेटा उन्होंने ग्रेजुअली ओल्डर रूल्स को रिप्लेस कर दिया स्पेशली एग्रीकल्चरल एरिया में सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा और डेवलप हुई और रूल्स जो हैं यूज़ देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स तो रूलर्स ने काफ़ी सारे मतलब जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ काफ़ी उन्होंने अपने इलाके बना लिए जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे राजपूत का जो है काफ़ी ज़्यादा राइज़ होने लगा उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने लगी एग्जांपल फ़ॉर द ट्राइबल पीपल टू तो फॉलो द राइज ऑफ राजपूत क्लैनस टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फ़ॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो मतलब क्या हुआ इसका देखिए कि राजपूत क्लैन जो था ना पहले राजपूत थे फिर उनकी ना मतलब उनकी पावर आने लगी तो उन्होंने अपना स्टेचर बढ़ा लिया अपने आप को ऊँचा दिखाने लगे तो ट्राइबल्स ने भी सोचा कुछ ट्राइबल्स ने कि हम जो टॉप वाले हैं हम भी राजपूत कहने लगे हम भी ऊंचे हो जाएंगे ग्रेजुअली ब्राह्मण्स के सपोर्ट से काफी सारे ट्राइब्स में कास्ट सिस्टम आ गया बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज को ज्वाइन द रूलिंग क्लास जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज होती थी ना जिनकी ज्यादा चलती थी वो रूलिंग क्लास में आने लगे और अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी ना ज़्यादा लोग जो थे ट्राइब्स हैं वो नीची जातियों में आने लगे ऑन द अदर हैंड डोमिनेट ट्राइब्स जो थे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स से पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन लोगों ने इस्लाम को मानना शुरू कर दिया और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया अनइक्वल सोशल ऑर्डर जो कि हिंदुज़म फैला रहा था उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हिंदुज्म में कास्ट सिस्टम ऊँच नीच बहुत ज़्यादा था तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया मगर नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पर जो ट्राइब्स थे उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया द इमरजेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंग ट्राइबल पीपल जो स्टेट एमर्ज होकर के आई एक राज्य एमर्ज होकर आए तो ट्राइबल पीपल का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो अभी है ना गोंड्स वगैरह वीडियो पढ़ा हो गया है काफ़ी तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का गोंड्स के बारे में फिर इसमें अहोम्स के बारे में भी हमें बताया गया है तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए थैंक यू